राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 3 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। बिहार की 1 सीट, यूपी में 1 सीट और हरियाणा में 1 सीट को बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है। हालांकि एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आई है। भाजपा को मिली जीत और विपक्ष की हार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत धर्म की जीत है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को गंभीर चिंतन की जरूरत है। कांग्रेस नेता के इस नसीहत पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। @kiran_sa038 यूजर ने लिखा कि बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, कब तक बाहर से समर्थक बने रहेंगे। @antaram_patel यूजर ने लिखा कि राजस्थान में यदि टाइम निकल गया और पायलट साहब को कमान नहीं सौंपी गई तो समझो राजस्थान भी कांग्रेस से निकल जाएगा। @realitynone1 यूजर ने लिखा कि आपकी पार्टी अब केवल एक जाति विशेष के हित की ही आवाज उठाती है, इसलिए ब्राह्मण सवर्ण सहित हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ नहीं जुड़ रहा है। @utkarshtalwar1 यूजर ने लिखा कि भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, रोज ट्विटर में उसी के प्रचार में लगे रहते हो। @rjyala यूजर ने लिखा कि आप चाहते हैं कि सारे विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एक हो जाएं। मजबरा तो ठीक, लेकिन सबका अपना अपना अहंकार है। @rdlahore यूजर ने लिखा कि कांग्रेस जब तक टूटी फूटी नाव से समुद्र पार करने की कोशिश करेगी तब तक भाजपा को मुफ्त में सिंहासन मिलता रहेगा। बता दें कि बीजेपी को बिहार की गोपालगंज, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ सीट और हरियाणा की आदमपुर सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि बिहार की मोकामा सीट पर राजद महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व सीट पर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार जीते हैं। 3 नवंबर को इन विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले उपचुनाव के ये नतीजे बेहद अहम माने जा रहे हैं।